महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित किया गया था सखी संवाद, जिसमें सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती इमरती देवी मौजूद रहीं, जहां मंच पर से इमरती देवी ने कहा कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए केवल विज्ञापनों पर ही खर्च करती थी, कभी उन्होंने इन बच्चियों के लिए मूलभूत सुविधा जुटाने की कोशिश नहीं की। वहीं उन्होंने कहा कि एक बार बेटे के पैदा होने पर एक बड़ी अधिकारी या नेता आसानी से बन सकती है। वहीं मंच पर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं से सीधी बातचीत भी की, साथ ही उनके सवालों के जवाब भी दिए। वहीं उन्होंने कहा कि जो भी आंगनवाड़ी केंद्र सबसे अच्छा होगा उसे पुरस्कृत भी किया जाएगा। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सभी बेटियों को आगे बढ़ाने की बात पर बल दिया। वहीं उन्होंने समाज में बेटियों की भूमिका के बारे में भी सभी को बताया। हम तो खूब अपने सवाल कर रहे हैं और हम इनको जवाब दे रहे हैं। ये बात सही है कि हमारी महिला 4 घंटे अपनी आंगनवाड़ी पे जाकर पूरी जिम्मेवारी से काम करती हैं, चाहे महिलाओं गर्भवती महिलाओं को 6 घंटे, चाहे हमारी गर्भवती महिलाओं का हो। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि मिनी आंगनबाड़ी एक छोटी आंगनबाड़ी है, उसमें सहायिका नहीं है अभी, और मैं इसके लिए प्रयास करूँगी जब तक आप खुद ही काम करें। भवन गुना जिले में 264 आंगनबाड़ियां बनना है, जिसमें 150 आंगनबाड़ी का काम चालू है और 100 के करीब अभी बनना चालू नहीं है। इस बात को मैं श्रीमंत महाराज साहब से कह के जल्दी से जल्दी आपकी 264 आंगनबाड़ियों को बनवाना जल्दी से जल्दी कार्य करवाऊंगी श्रीमंत महाराजा साहब। वास्तव में ये बात सही है। मैं मंत्री तो नेता ही बनते हैं ना, तो मैं भी एक नेता हूँ, लेकिन ये आंगनबाड़ी की बहनों की मैं परेशानियां समझती हूँ। मैंने देखा है कि जहाँ चाहते हैं वहाँ लगा देते हैं, चाहे नेता के लिए भीड़ चाहिए तो महिला कार्यकर्ता सहायिका बुला जिसकी जरूरत पड़ती है काम की उस विभाग में हमारी महिलाओं को बुला जाता है। लेकिन मैं कलेक्टर महोदय से ये बात कह के रखूंगी और कहूंगी, आपके सामने कहूंगी कि हमारी बहनों को परेशान ना किया जाए। जिस काम को उनको लगाया है सिर्फ महिला आंगनबाड़ी में वो काम करेंगी, और अगर उन्हें लगाना है